धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, इस बिल के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और 9 अगस्त 2016 के बाद रोड एक्सीडेंट में मरे हुए सभी मृतात्मा और आहत पहुंचे हुए सभी परिवारों की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूं। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाने वाले की याद आती है और उस याद में मैं उस सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। मोटर व्हीकल बिल में 50% एक्सीडेंट और उससे होने वाली मौतें घटाने की मंशा रखते हुए ये बिल आपके सामने पेश हुआ है। अगर 2016 में ये बिल पास होता तो लगभग कम से कम 1,80,000 जाने बच जाती, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम ये जाने बचा नहीं सके। उस स्वर्गस्थ मृतात्माओं को मैं नमन करता हूं और उनकी माफी मांगता हूं कि हम उनकी जाने बचा नहीं सके। मरने के बाद चिता पर वो जल गए, लेकिन उनके बाद उनके डिपेंडेंट जो फैमिली है वो चिंता से जल रहे हैं। तो चिता पर जलने वाले और चिंता से जलने वाले उनकी याद में मैं आप सबको नम्र आह्वान करता हूँ कि ये बिल पारित हो जाए और आगे से जो जाने वाली जाने बच जाए। सभापति महोदय, मैंने एक महाभारत की कहानी सुनी है। भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती और पांडव एक साथ बैठे थे, बातें करते होते थे। उस वक्त बातों बातों में मांग की बात उठी और पांडवों से सबने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा। एक ने धन मांगा, एक ने आरोग्य मांगा और कुछ ने कुछ मांगा। कुंती का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने दुख मांगा। तो दुख मांगने के बाद सब पांडवों ने अपने माँ ने जो दुख की बात की उसे हंसी आई और उन्होंने माता कुंती को कहा कि माँ आप क्या मांग रही है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो मांगेगा वो देने वाला है, आपने दुख क्यों मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो मांगा वो तो मैं दे सकता हूँ, वो अंश है, लेकिन कुंती ने जो मांगा तो पूरा मुझे मांगा है, क्योंकि जहाँ दुख होता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण होता है, और इसलिए मेरा अंश आपने मांगा लेकिन माता कुंती ने खुद मुझे मांगा है और मैं उनकी रक्षा करूँगा। तात्पर्य यह है कि 2016 के बाद जितने भी घटना हुई है और दुर्घटना से जो जाने चली गई है, वो जाने चले जाने के बाद जितने भी दुख हुए वो दुख हटाने के लिए मोदी सरकार भगवान श्री कृष्ण के भूमिका में आगे आई है और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में मोदी सरकार आगे आई है और ये दुख मिटाना चाहती है, और ये दुख मिटाने के लिए आप भी बड़ी विनम्रता से साथ दे, ये मैं आपको नम्र आह्वान कर रहा हूँ।
पेट करके नहीं बोलना चाहिए। और भी एक दूसरी कहानी है, और भी एक दूसरी छोटी कहानी है, जब हनुमान के साथ सामने हीरे मालिक रखे गए थे, तो हनुमान ने एक एक हीरा उठाया, उसे पत्थर से फोड़ा और उसे देखा और फेंक दिया। ऐसे करने के बाद उस हनुमान के भक्त ने उनको पूछा कि आप ये क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा, इस हीरा में मेरा राम नहीं है, जिसमें मेरा राम नहीं है उस हीरा मालिक मेरे काम का क्या है? यानी कि जितने भी योजना है, जितने भी बिल्स है, उसमें गरीबों का दुख दर्द जानने का अगर उस बिल में प्रावधान नहीं है तो वो बिल क्या काम का है? इसीलिए 1983 के बाद इस बिल में कोई भी प्रावधान न होने के कारण इतनी बहुत जाने चली गई है। तो उस गरीबों का, वो मृत आत्माओं का दुख दर्द समझने के लिए, शोषित पीड़ितों का दुख दर्द समझने के लिए, दुख दर्द समझने के लिए पहले मेरी तो बातें सुनो, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ कहानियां वो अपने संस्कृति कहानियां है, संस्कार बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये दो कहानियां बता रहा हूं। तो इस कहानी के माध्यम से जो गरीबों का दुख दर्द देखने वाली मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने इस बिल में प्रावधान करने का सुनिश्चित किया है, इसीलिए ये प्रावधान लाया है। 2016 के बाद, 2016 के बाद ये दो बरस ये बिल पारित न हो पाया। तो अभी देखो कि ये बिल पारित होना बहुत जरूरी है, और अगर ये बिल पारित होगा तो जाने भी बच जाएगी, जितने भी दुर्घटना से मौत हुई है, 5 लाख एक्सीडेंट में 1.5 लाख की जो जाने चली गई है, उसमें 25 से 35 उम्र के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा मर गए हैं। ये नौजवान, ये तो अपनी संपत्ति है, अपनी देश की संपत्ति बचाने के लिए हमारा कर्तव्य है, और इसलिए इस बिल को समर्थन देना मैं आपको आह्वान करता हूँ। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर थे, तब उनके टेबल पर एक दो लाइन लिखी हुई होती है जो मैंने पढ़ी है। वो लाइन ऐसी थी, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष केनेडी का वो वाक्य है, उन्होंने कहा था, वो जो लाइन नितिन गडकरी जी के टेबल पर लिखी हुई थी, अमेरिकाज रोड आर गुड्स नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिकाज रोड्स आर गुड्स नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकाज रोड्स आर गुड। यानी कि अमेरिका में जो अमीरी आई है वो रोड के कारण आई है। तो ये अमीरी, अमेरिका जैसी अमीरी इस देश में आए और इस देश की गरीबी हट जाए, इस वास्ते ये बिल लाया गया है। अभी तक तो आपने गरीबी हटाओ के बहुत नारे किए, और उस गरीबी हटाओ के नारे से जुमले करते करते आपने बहुत दिन अपनी सत्ता भी हासिल कर दी, लेकिन सच में गरीबी हटाने का जो रास्ता, जो अनेक रास्ते हैं, उसमें से रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना और व्हीकल एक्ट में सुधार करना, ये भी गरीबी हटाओ का एक बहुत बड़ा पहलू है, और इसलिए ये प्रावधान लाया गया है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। अभी जो विजन मोदी सरकार को है, वो मोदी सरकार को जो विजन होने के कारण इस मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार लाया गया है, और उस सुधार को
हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरे पहले बहुत बुजुर्गों ने अपनी बात रखी है, बहुत आंकड़े भी रखे हैं, उस आंकड़े में अटकने का और खुद को अभिमन्यु करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आंकड़े में न जाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से जो सुधार है इसमें लाए गए हैं। इस देश को, इतना बड़ा देश, फिर भी इस देश को परिवहन पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, तो ये परिवहन पॉलिसी होनी चाहिए, इसको इस प्रावधान में लिया गया है। इसलिए इस देश को एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अभी आ सकती है। इसमें इस देश में ट्रैफिक का पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक ट्रैफिक बोर्ड की ज़रूरत है, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं रखना चाहता, सिर्फ दो वक्ता हो रहे हैं आपके, इसलिए सुझाव की बात रखना चाहता हूँ। अभी 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 देखो, सिर्फ सुझाव के बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आग्रह कर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं में जान जाने वाले व्यक्तियों के अंग दूसरे कई बेबस लोगों के जीवन की नई रोशनी ला सकती है। जिनके अंग खराब हो चुके होते हैं, क्या इस बिल के माध्यम से दुर्घटित व्यक्तियों को त्वरित सहायता के साथ साथ जिनके जान नहीं बचा पाते है उनका अंग दूसरों के काम आ सके, ऐसा विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि देश भर में लिवर, किडनी, आँख व अन्य मानवीय अंगों का दाता स्वेच्छा से जो दान देते हैं उनकी भारी कमी है। हम इस माध्यम से कई जीवन बचा सकते हैं। मोटर व्हीकल में वर्ल्ड के गुणवत्ता के मानक अनुसार पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल में परिवर्तित करने की कोशिश जल्द से करनी चाहिए। इसी कारण पोल्यूशन में कमी आके मानवीय जीवन में सुधार आ सकता है। ट्रैक्टर अभी जो देहात में मैकेनिज्म हो गया है, इसके कारण बुलक कार्ट, एक दो बिंदु, बुलक कार्ट अब कम हो रही है, बाकी के लोगों को समय खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर का यूज ज्यादा होने लगा है, तो ट्रैक्टर यही हमें गांव में प्रवासी वाहतूक करने के लिए लगते हैं, तो ट्रैक्टर में हो रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मान्यता देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जब हर एक पुलिस स्टेशन के सामने एक्सीडेंट से जमा हुई गाड़ियां होती है, तो वो हम भारत स्वच्छ अभियान की बात करते हैं और हर पुलिस स्टेशन के सामने एक्सीडेंट हुई गाड़ियां खड़ी होती है, तो क्यों ना हम जहां एक्सीडेंट होता है सैटेलाइट के माध्यम से उसका रियल टाइम फोटोग्राफ्स निकालेंगे और एविडेंस एक्ट में चेंज करके उस गाड़ियों का, एक्सीडेंट हुए गाड़ियों का डिस्पोज कर सके, रिसाइकलिंग कर सके, तो उसके कारण भी बहुत सुधार आ सकता है। ऐसे कुछ मेरे सुझाव है, अगर मेरे कुछ टाइम आपने खत्म किया तो मेरे जो कुछ सुझाव है मैं अपने टेबल सामने दे करता हूँ। धन्यवाद।